इंदु जाग जाओ, कहीं देर ना हो जाए। शास्त्री जी, पहले दिन का कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया रहा, पाँव में छाले पड़ गए। और बताओ। यात्रा देश को बचाने की है, ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। हमने ये कहा कि देश के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब जगह तिरंगा फहराना चाहिए, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गाना चाहिए। ये किसी को वोट बैंक को बढ़ाने के लिए थोड़ी हो रहा है। दुर्गेश साहू, दिखा दीजिए आप एक बार आचार्य दिन की शास्त्री से बात कीजिए, बात कीजिए आप। उस समय शास्त्री जी निकल पड़े हैं अपने दूसरे दिन के चरण पे। आप देख सकते हैं कि सुबह से जिस जगह वो रात को रुके हुए थे वहाँ पर अब विश्राम करने के बाद वो अपने पूरे काफिले के साथ निकल पड़े हैं। यहाँ पर है, ये देखिए, बिल्कुल 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 ज्ञानी जी देखिए। कैसे हो सब लोग? चलो चलना है छतरपुर तक। हिंदुओं जाग जाओ, कहीं देर ना हो जाए। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू जिस दिन सड़कों पर आएंगे, समझ लेना हिंदू जाग रहा है। जाग जाओ, जात पात की करो विदाई। हंसते रहो, हंसाते रहो, हिंदुओं को गले लगाते रहो। जातियों में मत पट जाना, वरना तुम्हारी बहन बेटियों पर धर्म विरोधी अत्याचार करेंगे, तुम्हारी जमीनों को छुड़ाएंगे, तुम्हारे अधिकारों को छुड़ाएंगे। भेदभाव में मत पड़ना, जातियों में मत पड़ना, ये संग्राम जारी है। हम लोगों को हिंदू एक होकर के ही, इसलिए दोनों हाथ उठा के बोलो, जात पात की करो विदाई। शास्त्री जी, पहले दिन का कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया रहा, पाँव में छाले पड़ गए। और बताओ। फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। मैं कल रात को आपके पंडाल में गया था, मैंने देखा कि 2 बजे रात को भी लोग बड़े उत्साह में थे, ऊर्जा नहीं थी। ये यात्रा हिंदुओं की है, ये यात्रा हिंदुत्व की है, ये यात्रा ऐसी आजा माता यात्रा देश को बचाने की है, ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। सनातन जो है, ये राजनीतिक रोटियां जो भी सेंक रहे हैं वो मूर्ख है, क्योंकि ये किसी को वोट बैंक को बढ़ाने के लिए थोड़ी हो रहा है, ये सिर्फ हिंदू है। तोरे घुटना ठीक हो जाए। कांग्रेस के लोग भी तो पहुंच रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे आए थे, और कौन कौन आने वाला है दुर्गेश, जरा पूछिए। आपने कहा कि मस्जिदों में भी तिरंगा फहरा देना चाहिए, अब तो जिस तरह हमने ये कहा कि देश के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब जगह तिरंगा फहराना चाहिए, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गाना चाहिए। वो इसलिए कहा कि जिसे देश से प्यार नहीं उसे देश में रहने का अधिकार नहीं। क्या गलत बोल दिया भैया? जयवर्धन जी भी आए कल, बीडी शर्मा भी आए, ये हमारे चाचा भी हैं।